हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया चैप्टर शुरू करेंगे हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा रुक के। उससे पहले हम एंगल्स क्या है, उनका मेजरमेंट क्या है, कैसे कैसे उनको मेजर कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो यूज करते हैं हम एंगल्स को मेजर करने के लिए, वो चीजें डिस्कस करेंगे। सो देखिए, सिंपल शुरू से करते हैं। एंगल है क्या? देखिए, एक कोई रे है, ये रे है, एक इसका इनिशियल पॉइंट है और एक डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। इस इनिशियल पॉइंट से, इसी इनिशियल पॉइंट के चारों तरफ अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूं, कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं, ठीक है। सो ये पॉइंट ओ हो गया, ये रे थी ओ ए और ये रोटेट करके आप पहुंच गई यहां पे और ये हो गया B, ठीक है। सो इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, फाइनल पोजीशन इसकी ये है, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। ये जो रोटेशन इसने किया, इसका जो मेजर है दैट इज योर एंगल, ठीक है। या यूं कहूं, मेजर ऑफ एन एंगल इज द रोटेशन ऑफ दिस रे, ठीक है। किसी एंगल का मेजर क्या है, इस रे का रोटेशन। अगर मैं इसको 360 डिग्री पूरा रोटेट कर देता हूं, मैं नाम नहीं ले रहा अभी 360 डिग्री, मैंने क्या किया है, इसको OA को पूरा घुमा के ले आया और वापस OA पे ही ले आया, ठीक है। सो वो कहलाएगा वन एंगल, वन एंगल। ये यूनिट है, एंगल मेजरमेंट की यूनिट है। जब आप इसको पूरा घुमा लेते हैं, पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके ले आए, दैट इज वन एंगल, ठीक है, सिंपल, ठीक है। ये जो मेजर है एंगल का वो क्या है, इस रोटेशन को बोलते हैं हम। और वन एंगल कब बनता है, जब पूरा रोटेशन हो जाता है। वो कितना है, क्या है, वो बात की बात है, ठीक है। सो ये इस तरीके से एंगल बनते हैं। 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी थी, उसमें क्या था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल था और जो एक्यूट एंगल्स बन रहे थे, उन एक्यूट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और जो साइड्स के रेशियोज हैं उनमें रिलेशन आपने किया था, कैलकुलेशंस की थी कुछ, जैसे आपका साइन 30 जो है वो किसके बराबर होता है, 1/2, यानी साइड्स का रेशियो जो होगा ट्राइंगल की वो 1/2 होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के वैल्यूज रेशियोज आपने फाइंड आउट किए थे, ओके। अभी ये जो एंगल के मेजरमेंट आ रहे हैं, ये 30 डिग्री आया, ये कैसे मेजर किया, क्या यूनिट है और कैसे मेजर किया, कैसे शुरू किया, वो हम देखते हैं। देखिए, किसी इनिशियल पॉइंट से एक रे है ए, ओ ए, और इस रे को पूरा घुमा के मैं वापस इसी ओ ए पे ले आया, तो ये एक पूरा रिवोल्यूशन हो गया और इसको हम बोलेंगे वन एंगल। ये एंगल मेजरमेंट की यूनिट है, वन एंगल। ये थोड़ी बड़ी यूनिट हो जाती है, ये बड़ी यूनिट हो जाती है, तो इसको यूज करते हैं हम जहां मोशन की बात हो रही हो, ज्यादा मूवमेंट हो रही हो, ज्यादा बड़े एंगल की हमें जरूरत हो। जैसे कि कोई व्हील है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, रोटेशन में है, और वो पर सेकेंड 15 एंगल्स का रिवोल्यूशन करता है, 15 एंगल्स पर सेकेंड, ठीक है, 15 एंगल्स पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वो 15 रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है। तो उसको हम यूं लिख सकते हैं 15 एंगल्स पर सेकेंड, क्योंकि वन एंगल क्या डिफाइन किया है हमने, कंप्लीट रिवोल्यूशन या कंप्लीट रोटेशन जो है इसका, इनिशियल से घूम के वापस इनिशियल पे ही आ गया, दैट इज वन एंगल, सिंपल, ओके। सो ये डिग्री मेजर कहां से आया, डिग्री मेजरमेंट भी है ना, ये कहां से आया। सो डिग्री मेजरमेंट क्या है कि जब इनिशियल रे मूव करके रोटेट करके फाइनल पोजीशन पे पहुंचे, ये इनिशियल और ये फाइनल, जब इनिशियल रे मूव करके फाइनल पोजीशन पे पहुंची, और ये जो पार्ट है जितना मूव किया है इसने, कितना मूव किया है, 1/360 ऑफ एन एंगल, ठीक है। ये एंगल हमने डिफाइन किया है पूरा, कि इनिशियल रे से शुरू करके वापस इनिशियल रे पे ही रोटेट करके आ गई रे,
उसको वन एंगल हमने डिफाइन किया, और अगर 1/360th पार्ट उस एंगल का मूव करती है आपकी रे, तो वो कहलाएगा 1 degree. ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, वन कंप्लीट रोटेशन जो है वो वन एंगल कहलाता है, और उसका 1/360th पार्ट यानी उसका 360 से उसको डिवाइड कर दूं, उस कंप्लीट रिवोल्यूशन को, दैट इज योर 1 degree. सो यहां से फिर आप कह सकते हैं कि जो कंप्लीट वन एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर. ठीक है, ओके, ये 360 ही क्यों लिया, दैट इज बियॉन्ड माय स्कोप. ठीक है, क्यों लिया, क्या कर उसके पीछे रीजन था, वो बाद की बात है. ठीक है, कभी डिस्कस करेंगे. सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है आपका कि 1 degree क्या है, इस कंप्लीट का 1/360. ठीक है, ये 1 degree मेजरमेंट है, और अब डिफरेंट डिग्री मेजरमेंट्स के एंगल्स आपने बनाए हैं, आप यूज भी कर चुके हैं, जैसे ये राइट एंगल हो जाएगा जो कि है 90 degree का. ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ये जो है 180 degree का. अच्छा, एक बात और, नेगेटिव एंगल्स भी बनते हैं, जैसे अगर ये रे आपकी क्लॉकवाइज घूमती है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आए कहां से, घड़ी क्लॉक जो आपकी घूमती है यूं करके घूमती है घड़ी हमेशा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, तो अगर उसी डायरेक्शन में घूम रहा है तो एंगल जो भी बनेगा वो आपका होगा नेगेटिव. ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है यानी अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है तो जो एंगल्स बनेंगे वो पॉजिटिव बनेंगे. ठीक है, ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब डिसाइड किया गया है सभी ने. ठीक है, सभी एग्री हैं इस बात पे कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पे जो एंगल बनेगा वो आपका पॉजिटिव होगा. ठीक है, पॉजिटिव एंगल बनेगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रे घूमेगी तो जो एंगल बनेगा वो आपका नेगेटिव बनेगा. ठीक है, क्लियर, ओके, एंगल्स नेगेटिव और पॉजिटिव हो गए. सो -90 कैसे प्रूव वो करूंगा, मैं शो करूंगा, देखिए -90 हो जाएगा, ये हो जाएगा -90 degree, ये ओ हो गया, ये इनिशियल रे हो गई और ये फाइनल हो गई. ठीक है, सो ये इनिशियल और ये फाइनल. ठीक है, ये -90 हो गया, ये +90 हो गया, और कुछ और भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं आप, जैसे ये 30 degree हो गया, 30 degree एंगल हो गया, और -30 हो जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा, ये -30 degree हो गया. ठीक है, तो इस टाइप से आप एंगल्स ये ड्रॉ कर सकते हो. और मेजरमेंट क्या है कि टोटल जो है वो 360 का है, बाकी पार्टीशन अब हो गए. ठीक है, ये डिग्री मेजरमेंट है, ये क्या है, डिग्री मेजरमेंट. एक हो गया एंगल मेजरमेंट, वन एंगल कंप्लीट 360 को हम बोल रहे हैं, या यू कहो कंप्लीट रिवोल्यूशन या रोटेशन पूरा वन एंगल के बराबर. ठीक है, उसके हमने पार्ट कर दिए 360, तो 1 degree जो है वो 1/360th ऑफ एन एंगल, वो 1 degree हो गया और डिग्री मेजरमेंट हो गया. एक और है रेडियन मेजरमेंट, सो वो और देखते हैं. देखिए रेडियन मेजरमेंट क्या है, सपोज कीजिए कि एक 1 unit रेडियस का आपके पास सर्कल है, यूनिट रेडियस यानी जिसका रेडियस हो 1 centimeter मान लीजिए. ठीक है, 1 centimeter रेडियस का आपके पास सर्कल है, सर्कमफ्रेंस पे अगर 1 centimeter की ही आर्क मैं लगा दूं. ठीक है, ये देखिए सर्कमफ्रेंस पे 1 centimeter की ही आर्क अगर मैं लगा दूं, ये आर्क भी 1 centimeter की है, तो जो सेंटर पे एंगल सब्सटेंड करेगा, ये मिटा देता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं आप इक्वल्स टू 1 centimeter, तो जो सेंटर पे एंगल सब्सटेंड करेगा दैट इज 1 radian, दैट इज 1 radian. ठीक है, फिर से डिफाइन करता हूं, फिर से एक्सप्लेन करता हूं, दोबारा बोलता हूं, यूनिट रेडियस का कोई सर्कल है और जो आपकी आर्क है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे वो भी 1 centimeter
की है, यानी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर, आर्क भी 1 सेंटीमीटर, तो जो एंगल बनेगा सेंटर पे, सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज ओ, जो सेंटर पे एंगल बनेगा दैट इज 1 रेडियन, ठीक है, दैट इज 1 रेडियन, सिंपल सिंपल वर्ड्स में वो रेडियन मेजर है। तो एंगल के मेजरमेंट के तीन तरीके बता चुका हूं आपको, 1 एंगल, ठीक है, फिर डिग्री मेजरमेंट और फिर रेडियन मेजरमेंट, RADIAN, रेडियन मेजरमेंट। तो रेडियन मेजरमेंट कैसे डिफाइन करेंगे हम, अगर यूनिट सर्कल है और 1 सेंटीमीटर आपका रेडियस है तभी यूनिट सर्कल बनेगा, और 1 सेंटीमीटर का ही आर्क आपने ड्रॉ किया है तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा दैट इज 1 रेडियन, ठीक है। मोर जनरली अगर आप इसको लिखेंगे तो वो यूं हो जाएगा कि आर सेंटीमीटर का आपका रेडियस है और एल सेंटीमीटर आपकी आर्क है, एल सेंटीमीटर आपकी आर्क है तो जो एंगल बनेगा थीटा रेडियन, उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और जो एंगल बना किसमें, रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट में दे बियर अ रिलेशन दैट इज थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर और एल इक्वल्स टू आर थीटा, एल इक्वल्स टू आर थीटा, सिंपल सिंपल इनफ, ठीक है। सो अब देखिए एक यूनिट सर्कल अगर है, ये अगर एक यूनिट सर्कल है तो सर्कमफेरेंस इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर के इक्वल होता है और रेडियस जो है वो 1 है, सो 2 पाई जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस, और एंगल 2 पाई सर्कमफेरेंस के कारण, चलो ये बात में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझे, मैंने आपको तीन चीजें बताई, रेडियन मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट और एंगल मेजरमेंट, वन एंगल किसको बोलेंगे, कंप्लीट रिवॉल्यूशन को, ठीक है, और वो तब यूज करते हैं जब ज्यादा बड़े एंगल की हमें जरूरत होती है। छोटे एंगल में फिर हम डिग्री मेजरमेंट करते हैं, और डिग्री मेजरमेंट क्या है, 1 डिग्री कैसे डिफाइन किया गया है, 1/360th ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, और रेडियन जो है वो आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस इक्वल्स टू योर थीटा रेडियन सेंटर पे, और 1 रेडियन कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिट रेडियस का सर्कल है और उस पे अगर यूनिट आर्क बनी है तो जो एंगल बनेगा सेंटर पे दैट इज योर 1 रेडियन, गॉट इट, ओके, थैंक यू, बाय।